अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और मैं तैयार हो गई हूँ और अभी निकलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, मतलब देखते हैं क्या है नहीं है, क्या ले सकते हैं शॉपिंग के लिए बेसिकली। और यहाँ पे डेकोरेशंस हो रहा है क्योंकि न्यू ईयर है, आज 31st है और न्यू ईयर के लिए डेकोरेशंस कर रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं डे टू डे में, ये एकदम नज़दीक है हमारे अपार्टमेंट से और रूम पे किचन भी है, तो सोचा कुछ सामान ले लेते हैं ताकि बना के खा पाए। सो यहाँ पे हमने पहले लिया है मिल्क, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट बैग्स हैं, सारे चीज़ें इतने अच्छे थे, मन कर रहा था कि ले लूँ, लेकिन वही है कि लेके जाने में प्रॉब्लम है। सो यहाँ से शायद एक दो लेके जाऊँगी, बच्चे हैं घर पे, मतलब मेरे भाई की और इनकी बहन की। और ये वाला शोपीस तो बहुत ही प्यारा है, कुरान शरीफ है और पास में एक लॉटस है, तो मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गया। मैंने बोला कि कुछ लेके जाओ नहीं जाओ, लेकिन ये मैं लेके जाऊँगी ज़रूर। ये ऑलमोस्ट डी मार्ट की तरह ही लग रहा है, लेकिन प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है और चीज़ें और भी अच्छे हैं। सो अभी बिलिंग करके जाते हैं घर पे। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए और बहुत ही फेमस, मतलब अच्छा जगह है वो, कुछ उस्ताद कबाब या कुछ बोलते हैं, उसमें ही जा रहे हैं खाने के लिए, डिनर करेंगे वहाँ पे। और न्यू ईयर ईव है तो थोड़ा घूम के देख लेंगे क्या होता है दुबई में। इस रेस्टोरेंट में हर कंट्री का करेंसी लगा हुआ है, टेबल के नीचे ही हर एक कंट्री का करेंसी है। और बहुत सारे लोग भी आए हैं खाने के लिए, बहुत फेमस लोग आए हैं, फ़ोटो खिंचवाया उन लोगों ने, यहाँ पे लगा के रखा है पूरे जो रेस्टोरेंट है उसमें लोगों के फ़ोटो ही लगा हुआ है। और पुरानी चीज़ें देख सकते हैं, फ़ोन, पुराने जो फ़ोन है। और ये कुछ उन लोग का स्पेशल कबाब है, उसके साथ सर्व करते हैं रोटी, तो हम लोग ऑर्डर करें 4 पर्सन का कबाब। अभी बैठ के चाय पी रहे हैं और डिसाइड हो रहा है कि कहाँ जाएंगे। एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि बुर्ज खलीफा के उधर जाएंगे, लेकिन उस साइड में 4 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, एंट्री बंद हो जाती, तो इसलिए हमने सोचा कार रेंटल करके ऐसे ही घूम लेंगे। हमने 2 स्पॉट डिसाइड किया है, एक है जुमेरा बीच और एक है पाम जुमेरा। तो पहले तो जुमेरा बीच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, वहाँ से अगर अच्छे से दिख रहा है बुर्ज खलीफा तो वहाँ पे बैठ जाएंगे, नहीं तो पाम जुमेरा अटलांटिस के पास ही जाएंगे। आ गए हम लोग जुमेरा बीच और यहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, पूरा एकदम टेंट वेंट लगा के चेयर्स डाल के बैठे थे आराम से। सो यहाँ से तो एकदम मस्त लग रहा था, बुर्ज खलीफा का व्यू भी दिख रहा था, तो फायरवर्क्स भी दिख जाएगा सही से। लेकिन हम लोग का मन में ऐसा था कि वहाँ पे अगर ज़्यादा अच्छा दिखे, तो डिसाइड कर रहे कि अभी तो 10 ही बजे है तो पाम जुमेरा की तरफ जाके देखते हैं, अगर वहाँ पर सही दिख रहा है तो वहाँ पर रुक जाएंगे। Just so.
और ये है अटलांटिस द पाम। हम इसके सामने ही आ गए हैं। यहाँ से इधर भी फायरवर्क्स बहुत अच्छे से होता है, तो यहाँ पे ही देख लेंगे, क्योंकि हमें आते आते ट्रैफिक इतना था, 11:30 इधर ही बज गया, और अगर वापस जाएंगे तो फिर से और आधा घंटा लगेगा, तो यहाँ पे ही देख लेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज का न्यू ईयर बहुत भारी पड़ा हम लोग को, क्योंकि ट्रैफिक ये सब मिला के हमें बहुत टाइम बैठना पड़ा। हमें नहीं पता था इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन न्यू ईयर के टाइम पे दुबई में 4 बजे से सारे रोड्स बंद हो जाते और इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। बट कोई नहीं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, नया साल अच्छा जाए आप सबका। और इसी के साथ मैं भी अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और लास्ट वीडियो में इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर हो सके तो एक शेयर भी कर दीजिएगा याद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।